हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एपेक्स स्प्लेंडर की, जो कि पहले जाना जाता था एलिगेंट स्प्लेंडर के नाम से। प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये टू फेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट ब्रिक कंस्ट्रक्शन में मिलेगा, रिमेनिंग पार्ट आपको मिलेगा माइवन कंस्ट्रक्शन में। फर्स्ट फेज में आपको बिल्डर के थ्रू चार टावर मिलते हैं। साइजेस की अगर बात करें तो यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 BHK, 2+ study और 3 BHK के ऑप्शंस। 5 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं 8 टावर। ये प्रोजेक्ट पोडियम बेस्ड है। प्रोजेक्ट आपको टैग जोन 4 में मिलता है। फर्स्ट फेज के अंदर अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको ब्रिक वाले टावर्स मिलते हैं। टावर की एंट्री एग्जिट आपको फ्रंट में मिलता है और ये रोड कनेक्ट करती है सीधा 130 मीटर रोड पे। एज पर बिल्डर फर्स्ट 4 टावर आपको 18 मंथ के अंदर कंप्लीट होके मिलते हैं। ये टावर्स आपको 2080 प्लान के अंदर मिलते हैं, जहाँ पे आपको अपनी तरफ से सिर्फ 10% देना है, रिमेनिंग 10 एट द टाइम ऑफ पोजेशन, 80% बैंक की फंडिंग होगी। जैसा कि आप प्रोजेक्ट के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे अभी बाउंड्री वॉल का काम किया जा रहा है। सबसे पहले जो काम किया जाएगा, फर्स्ट 4 टावर के ऊपर काम किया जाएगा, इनके अंदर फिनिशिंग और एक्सटर्नल वॉल के ऊपर काम किया जा रहा है। यहाँ पे आपको लोकेशन का एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि आपको डी मार्ट आपके सामने ही मिलता है। साथ ही साथ जो आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलेगी, वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगी। अगर यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्ट या मॉल्स की बात की जाए तो आपको नियर बाय विसिनिटी में ये सब देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ आपको देखने के लिए मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स 500 मीटर के रेडियस के अंदर। ये जो आप सामने फ्रंट में टावर देख रहे हैं, यहाँ पे यही है जो आपको फर्स्ट फेज में मिलेंगे, जिनकी डिलीवरी 18 मंथ के अंदर होनी है। कंस्ट्रक्शन जो आप देख रहे हैं, ये रेड ब्रिक के ऊपर किया गया है। रेस्ट 4 टावर का कंस्ट्रक्शन माइवन के ऊपर किया जाएगा। अगर आप अपने लिए गौर चौक के पास प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2 BHK, 2+ study और 3 BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं। फर्दर हम देख लेते हैं कि आपको टावर किस तरीके से बन के मिलेंगे। ये पूरी सोसाइटी का फ्रंट एलिवेशन है। कुछ इस तरीके से आपको आपके टावर्स मिलते हैं। 1.5 एकड़ में आपको पार्क और क्लब हाउस मिलता है। क्योंकि प्रोजेक्ट आपको पोडियम बेस्ड मिलता है तो यहाँ पे आपको पार्किंग देखने के लिए मिलती है -1 और स्टिल्ट। इस सोसाइटी में घर लेने से आपको लोकेशन का एडवांटेज मिल जाता है। इस एरिया के आसपास के डेवलपमेंट की बात करें तो कंप्लीट डेवलप्ड एरिया आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आप किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी इस प्रोजेक्ट को और अच्छे तरीके से समझने के लिए। सोसाइटी का एंट्री एग्जिट आपको मेन रोड के ऊपर देखने के लिए मिल जाता है। ये 24 मीटर रोड है, जिसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट आपको 130 मीटर रोड से मिलती है, जो कि गौर चौक से कनेक्ट है। यहाँ बात कर लेते हैं यहाँ पे मिलने वाला सैंपल फ्लैट, जो कि है 2+ study, 1153 स्क्वायर फीट। लिविंग और डाइनिंग मिलता है आपको 15x10 में। यहाँ पे लिविंग और डाइनिंग को एक साथ दिखाया गया है। स्टडी रूम की अगर बात की जाए तो ये मिलता है आपको 8x7 का। और अगर यहाँ पे किचन की बात की जाए तो ये मिलता है आपको 6x10 में। किचन के साथ आपको मिलती है यूटिलिटी बालकनी देखने के लिए। यहाँ पे मिलने वाले बेडरूम की अगर बात की जाए तो ये मिलता है 10.5x10 का। साथ ही साथ देखने के लिए मिलती है रनिंग बालकनी, जो कि कनेक्टेड है अनदर रूम से। कॉमन टॉयलेट की अगर बात की जाए तो ये मिलता है आपको 5x8 का।
मास्टर बेडरूम हमें देखने के लिए मिलता है 12x10 का, अटैच टॉयलेट के साथ। मास्टर बेडरूम की टॉयलेट की अगर बात की जाए तो ये मिलता है आपको 7.5x5 का। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आप किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी इस प्रोजेक्ट को और अच्छे तरीके से समझने में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।